सीएसएफ की टीम लगातार बेहतरीन खेलती हुई एक तरफा अब तक के मैच का स्कोर कहें तो बालूराम की टीम को पछाड़ती जब तक कि बालूराम रेढ़ा के रेडर को समझ पाते सीएसएफ का डिफेंस अपनी पकड़ बता चुका है कि हम भी इस तरह से नहीं रेडर को परमिशन देंगे कि आप अंदर आए। और अब रेड पर राम विजय और सुनील ये तीन रेडर हैं जिनके अंदर ये काबिलियत है कि कभी भी मैच को कलट सकते हैं, लेकिन सीएसएफ की टीम बिल्कुल एकजुट होकर खेलती हुई लगातार प्रयास करती हुई, लेकिन फिर मिडलाइन के करीब कैच किया राम को, पॉइंट मिला सीएसएफ की टीम को। और ग्राउंड नंबर एक पर भी बड़ा बेहतरीन मुकाबला चलता है चमारिया स्कूल और मकरानी स्कूल के बीच में। इस अगला मुकाबला में 194 वर्सेस SBM खानपुर के मैदान में होगा। दोनों टीमें तैयार है। उसके बाद पहला क्वार्टर फाइनल संस्कार भारती पाले वर्सेज आदमपुर के मैदान में खेला जाएगा। दूसरा क्वार्टर फाइनल सती माता पाथेड़ा जब वर्सेज चनानी गुरु के मैदान में खेला जाएगा। सर जो भूप सिंह चांदवास और SBM खानपुर के बीच का जो मैच है वो मिट्टी के ग्राउंड पर होगा और संस्कार भारती पाली और आदमपुर के बीच जो मैच है वो मैट पर होगा। उसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल जो है पाथेड़ा वर्सेज चनानी भी वो भी मैट पर ही होगा। दोनों ही ग्राउंडों में बड़े बेहतरीन मैच चलते हैं। जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर में प्रवेश कर जाएगी। जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर इस मैच के मुख्य अतिथि हैं विजय सरपंच जी पावड़े कनवारा से एक बार स्टेज पे आए और वे काफी टूर्नामेंटों की पहले भी अनाउंस कर चुके हैं। फिर भी बता दें तारीख को बांगा फतेहपुरा में टूर्नामेंट होने किसका आप जरूर पहुंचे। 28 तारीख को बहाल अटैली के नजदीक आबूद्राम के गांव में भी टूर्नामेंट आप वहां पहुंचे। 51-31 चार टीमों का इनाम है वहां पे। और 31 तारीख का पाउडी परिहारा में मैच है। 51-31 आप वहां भी पहुंचे। आपके प्रदेश का ही गांव है बैठी। और साथ ही 12 नंबर जैसे रख रहे साथियों शीला कंडक्टर इशारा पर शीला सुपर अब साथियों देखो और दूसरे हिस्से में रेड पर विजय का वो रेड हरा राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से चाहे नाश्ते की बात है चाय की बात है हर प्रकार की सेवा पानी की बात है बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा जाए कि बाहर से आने वाले खिलाड़ी में कोई चीज किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इस कमेटी का भी मैं बिल्कुल दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़े विशेष तौर पर ध्यान रखा कि आए हुए किसी भी दर्शक को खिलाड़ी को कोचिज को कोई परेशानी ना हो। फिर एक बार 12 नंबर के जिला खिलाड़ी साथियों सोला कंडक्टर सुपर रेड लगा चुका है। इसी बीच में चौको आदमपुर को और संस्कार भारती को ये मेरा भाई साहब है चौक लाग रहे हैं कर रहे हैं।
आगे आगे कस्टर दस के बाद बात करें सुनील नरवाल की सब बेहतरीन रेड रहे और उतना ही बेहतरीन मैच से सबकी टीम दिखाती हुई अब रेड पर साथ ही विजय बिल्कुल हरियाणा प्रदेश का एक अच्छा और बेहतरीन खिलाड़ी चार के डिफेंस में बड़ी स्पीड इस खिलाड़ी के पास बढ़ाता है मोमेंट के साथ खेलता है खिलाड़ी लेकिन सीएसएफ का डिफेंस भी आप देख सकते हो किस प्रकार चौकन्ना है इससे अगला में रामला चांदराज वर्सेस कांबेर के मध्य मिट्टी में खेला जाएगा और जो नाइट पेपर खेला जाएगा संस्कार भारतीय वर्सेस आतंबेर के मध्य में खेला जाएगा दोनों टीमें तैयार है उसके बाद एक मुकाबला सटी माता पाटेड़ा वर्सेस चनानी के मध्य में खेला जाएगा वो टीमें भी तैयार है और भाई ग्राउंड नंबर एक की जब बात करें तो साथ ही मोनू इस समय रेड पर सुपर टैकल ऑन और गरिमा को बनाए रखे हैं और भाई अब रेड पर साथ ही 12 नंबर जर्सी का खिलाड़ी शीला कंडक्टर हरियाणा मोटर्स में कंडक्टर के पद पर कार्यरत है साथ ही लेकिन सियासत कमांडर के सामने कंडक्टर रोडवेज का कंडक्टर फैल हो गया क्योंकि सियासत के पास जवान के कंडक्टर अकेला गिरफ्त में आ चुका है और फिर सियासत की तरफ से रोड ये जितने भी सर्विस के खिलाड़ी हैं सब अपने कबड्डी के दम पर कबड्डी की काबिलियत पर इनको हरियाणा सरकार ने भारत सरकार ने नौकरी दे रखी है तो सभी खिलाड़ियों के अंदर वो काबिलियत है और अब पांच के डिफेंस में से सबका रेडर रेड करता हुआ और साथ में बैटरिंग था और जतिन द्वारा सोना भी आइटम तैयार है और साथ ही बिल्कुल 30 सेकंड का समय है और कबड्डी 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 लगातार धोनी को उच्चारण करना पड़ता है लीजिए साथियों पॉइंट मिला 12 रन स्टेडियम की टीम को अब 6 के डिफेंस में 12 नंबर जर्सी का खिलाड़ी शीला इस समय रेड पर भाई अगला जो मैच है वो भगत सिंह चांदवास वर्सेस बीएम खानपुर वो दोनों टीमें तैयार होकर ग्राउंड नंबर एक पर पहुंचे मिट्टी में वो मैच हमारे मैदान में हरियाणा के राम राम सैन प्रोफेसर रामलीला सेना भी पहुंचे हैं हमारा का रामों का हार्दिक स्वागत करते हैं मंगल कमेटी की तरफ से मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा सर जो वो मैच के ऊपर मुकाबला चल रहा है वो सिराल साहब दिल्ली वर्सेस बारह रन अकेडमी
लोधाना के माध्यम से चलता है, और मिट्टी में जो कर्मकांड चल रहा है, और मंदरेली वर्षे चमारे के माध्यम से पहुंचा है, चल रहा है, उससे अगर मुकाबला भूप सिंह चांदी वर्षे कांकेर के माध्यम से खेला जाएगा, उससे अगर मुकाबला पहला क्वार्टर फाइनल संस्कार भारतीय तांडव वर्षे आदमपुर के माध्यम से खेला जाएगा, जो नेट के ऊपर खेला जाएगा, उससे अगर मुकाबला सत्य माता पाथर के बदलू चाहेंगे सत्य माता पाथर अगर सचिवानी को छात्र में तैयार रहे और वही साथियों सभापति प्रदेश का सुपरस्टार खिलाड़ी लेकिन साथियों छियासठ का डिफेंस के सामने आज राम दिखाई दे रहा है और अब रोड पर अमित सकर जितने भी द्वारा मंदिर कमेटी और ग्राम पंचायत की तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के मजबूत स्तंभ पंडित रामदयाल शर्मा जी जो कि कई बार जीत विधानसभा में पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं और बीजेपी के लिए लगातार अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। जो साथियों बिल्कुल बेहतरीन स्केल है इस जिला कलेक्टर का बोनस प्लस वन और अब आपको ले चलते हैं स्कोर की दुनिया में। 20 पॉइंट बैरोराम स्टेडियम रेधारा और 25 पॉइंट सियासत 20-25 का स्कोर ताली बजाने तक दिखाते हैं। इसमें सियासत हो गया सुंदर चौधरी जी प्रदेश मंत्री भाजपा भी हमारे मध्य में पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचे पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बैकग्राउंड नंबर एक की जिन भी टीमों का नाम अनाउंस किया गया है सभी टीमें पहुंचे और भाई देखो कामयाब से ऐसे पेपर पॉइंट अर्जित करने में एक टीम ग्राउंड में पहुंच चुकी है। अपने मित्र बिंदु पहुंचे आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि समय का अभाव है, मैच काफी बचे हुए हैं, ये लीग मुकाबले का अंतिम मुकाबला है, इसके बाद क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वार्टर फाइनल संस्कार भारतीय पहले ओवर से आदमपुर के मध्य में खेला जाएगा, दूसरा क्वार्टर फाइनल सत्य माता पाथर ओवर से चमाने के मध्य में खेला जाएगा। और साथियों एक और पॉइंट अर्जित किया सियासत के इसराइल ने। अब यहाँ पर सात नंबर जर्सी का खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के इस गांव से विलोम करता है जहां से दुनिया की सबसे बेहतरीन कबड्डी खिलाड़ी निकले हैं। लेकिन और साथियों फिर एक बार छक्कर इस समय रेड पर जो कि प्रो कबड्डी का हिस्सा रह चुका है, बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है, सियासत में कार्यरत है लेकिन सामने जो टीम है साथियों उसको टीम पहुंच चुकी है। चांदवास की टीम कहीं मेरे यहाँ से नया तरन ग्राउंड में पहुंचे चांदवास खानपुर की टीम ग्राउंड में पहुंच चुकी है। रेबरी साइडान से मेरे यहाँ एक मिनट का समय दें लेकिन टीम नहीं आती है तो उसको सैटरेज कर दें। इससे अगला मुकाबला संस्कार भारतीय पहले ओवर से आदमपुर के मध्य में खेला जाएगा। आदमपुर की टीम और संस्कार भारतीय की टीम दोनों टीमें लड़े रहे हैं। ये मुकाबला अंतिम दो चार मिनट का बाकी है और ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं। और साथियों अब तक के मुकाबले की जो बात करें सियासत की टीम आगे चलती हुई हमारी सर्विसेज की टीम है, हमारी फोर्स की टीम है, सियासत एक अच्छी टीम है और जिस टीम ने सुरेंद्र नायडू जैसा खिलाड़ी है जिसने देश और दुनिया की कोई ऐसा कबड्डी खेल नहीं है जो सुरेंद्र नायडू ने नहीं खेला हो और ना जीता हो। दुनिया का बेहतरीन डिफेंडर इस समय बाबा जय रामदास के इस काम पर उत्तर धरती पर पहुंचा बोरम गायरा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई सुरेंद्र नायडू गांव हरी जिला छतर से जो कि इंडिया टीम में रहकर वर्ल्ड कप एशियन गेम और प्रो कबड्डी जैसे टूर्नामेंटों में बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया है सुपर टैकल और अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर आज बारूराम रेधारा की टीम को पछाड़ता हुआ 28-64। अगर एक मिनट में टीम नहीं आती है तो अंतिम को लेकर टीम को सैटरेज कर दें। और अगर देख लिया तो इस मैच को थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें लास्ट का
तीन मिनट से कम समय बचा हुआ है। अमित इस समय रेड पर, पांच खिलाड़ियों का डिफरेंस साथियों, 24-28 का स्कोर, 24-28 का स्कोर। और रेड पर सुनील अग्रवाल जिला कंडक्टर का ऑर्डर था, बहुत ही शुक्रिया खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश का, और हरियाणा प्रदेश का कार्य का खिलाड़ी और दूसरे साथियों बिल्कुल सीधा पर इसका किया गया पॉइंट मिला सीएसएफ की टीम को। सीएसएफ की टीम लगातार अपनी लीड को बनाए हुए रखी है। आखिरी दो मिनट से हमारे विक्रम कोच साहब ने अपने दो मिनट हवा में लहरा के संकेत दिया है कि आखिरी दो मिनट बची हुई है। साथियों, हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन खेल है नेशनल स्टाइल कबड्डी, जिसकी उत्पत्ति महाभारत काल में हुई थी। द्रोणाचार्य द्वारा जिस चक्रव्यूह की रचना की थी वो इस खेल का एक दृश्य है। चाइनाज की टीम अपनी यहाँ आने की उपस्थिति दर्ज कर रहा है। एक मिनट का समय है, शायद वह टीम सात नंबर के दर्शन में बार बार हो रही है। अगर वो चाइनाज की टीम का कोई भी खिलाड़ी आवाज सुन रहा है तो वहाँ आने की उपस्थिति दर्ज कर रहा है चाइनाज। और ये खेल, इस खेल की बात करें तो साथियों, सबसे पहले महाराष्ट्र में एक खेल खेला गया था। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस खेल को उत्कृष्ट के नाम से जानते थे। 1952 में सकल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ और इस खेल में सुधार किया, इस खेल का नाम रखा कबड्डी। और साथियों, तब से हरियाणा प्रदेश ने इस खेल को बड़ा संकल्प किया है। सुपर टैकल 2 पॉइंट हिट था और अब रेड पर साथियों पिंक और 1992 में पहला एशियन गेम शुरू हुआ था कबड्डी का। और अब छक्का समय रेड पर अंतिम मिनटों के अंदर यह खेल चला गया है। और अगर स्कोर की बात करें तो अनंतपट सीएसएफ का स्कोर 30, रेडहर का स्कोर 27, 30-27 का स्कोर। आज जो साथियों बिल्कुल यह जटिल सामना गौरी था, जटिल सामना गौरी था, बिल्कुल बेहतरीन चढ़ा गया आपकी टीम को। लास्ट एक ना बेहतर साल रेड मरा के उसको खत्म कर दे। 28-30 का स्कोर, 28-30 का स्कोर, 28-30 का स्कोर, सरल नहीं है। नरवाल अकेडमी नरसिंह कानपुर, नरवाल अकेडमी की टीम।